नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खास खबर की ओर। लोगों को आपने भौतिक संसाधन व पैसे जोड़ते देखा होगा, लेकिन मुरैना में एक व्यवसायी कचरा जोड़ने का शौकीन निकला। वर्षा के कारण कचरे में आई बदबू के बाद पड़ोसियों ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवाई। शहर के हृदय स्थल शिकरवारी बाजार में रहने वाले योगेश गुप्ता व्यापारी को कुछ सालों पहले व्यापार में घाटा पड़ गया था, जिससे उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। योगेश गुप्ता लगभग 5 वर्षों से अपने घर की छत पर कचरा जमा कर रखी है। घर वालों के कहने पर भी उस कचरे को साफ करने के लिए राजी नहीं थे। इस बात को लेकर पड़ोसियों भी कई बार योगेश गुप्ता से कचरा साफ करने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं माने। बारिश के कारण कचरे में बदबू आने लगी तो पड़ोसियों को परेशानी होने लगी। सभी ने मिलकर जनसुनवाई में कलेक्ट्रेट तथा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से शिकायत की। लोगों का कहना है कि कचरे से बीमारी फैलने की संभावना है। कलेक्टर ने तुरंत निगम आमले को मौके पर भेजा। निगम के द्वारा मशीनों से छत की सफाई की गई तो निगम अमला दंग रह गया। पूरी गली कचरे से भर गए। यह बात धीरे धीरे पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। देखिए, मेरे पड़ोस का ही मामला है। काफ़ी बार एक हमारे व्यापारी हैं, वो उनको कचड़े का शौक है। वो कचड़ा बीन बीन के अपनी छत पे इकट्ठा कर लेते हैं। उससे तमाम तरह की बीमारी पनपने का डर था और नगर निगम को व्यापारियों ने शिकायत करी थी कि ये गंदगी से पूरा शहर और बाज़ार प्रदूषित हो रहा है, इस कचरे को हटवा के फेंकवाइए। तो आज नगर निगम की एक टीम आई थी, उन्होंने छत पर से कचरा सारा फेंका है। कुछ कचरा और रह चुका है तो वो भी कचरा फेंक जाएगा, मगर उससे पूरी ये सफाई हो गई है और तमाम बीमारियों से शहर में एक आगे बचेंगे। इससे बहुत गंदगी थी और गंदगी को आज पूरा 10 ट्रक के करीब गंदगी निकलेगी। मैं शिकायत भी लगी थी और एक जनसुनवाई में शिकायत भी आई थी कि कोई सदर बाजार में योगेश गुप्ता करके कोई हैं, उनके घर में जो है कचरा भरा हुआ है और वो अपने कचरे को बाहर नहीं निकालते हैं, वहीं घर पर रखते रहते हैं। तो ऐसी सूचना मिलने पर हमने अपनी जो हमारी सफाई टीम है उनको वहाँ भेजा था, तो उनके यहाँ छत पर जो है काफ़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा था, जिसे वहाँ से निकाल करके जो है हटवा दिया गया है। लोगों ने, आसपास के लोगों ने बताया कि ये थोड़े से विक्षिप्त टाइप के हैं और इस वजह से जो है वो इस तरह की हरकतें करते हैं, तो वो सफाई करा दी गई है, कोई ऐसा विशेष इशू नहीं है। शिकायत प्राप्त हुई थी, निश्चित तौर पर उनके परिजनों को हिदायत भी दी गई है और उनसे ये भी कहा गया है कि भाई इस तरह की स्थिति निर्मित ना हो, इससे कचरा इकट्ठा होने से कई तरह की बीमारियाँ और रोग होते हैं और आप देख ही रहे हैं कि ऐसी स्थितियाँ आपके परिवार में भी हैं, तो आप इस तरह से कचरा इकट्ठा ना करें और कचरे को जो है निरंतर रोड, जो हमारी गाड़ियाँ आती हैं जो डोर टू डोर कचरा वाहन है, उनके माध्यम से हमारा कचरा जो है आपको दें ताकि हम उसका निस्तारण कर सकें। मुरैना से जिला संवाददाता विष्णु पंडित की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें हमारे साथ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।